प्लम्बर के रूप में कर रहे थे चोरी। भक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के सामान खरीदने के आरोप में एक दुकानदार सहित तीन चोरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। सिलीगुड़ी में चोरी छिनताई के साथ साथ आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कड़ी मेहनत करती नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के सेवक रोड स्थित एक बहुचर्चित शॉपिंग मॉल के दूसरे तल्ले में एक दुकान पर काम चल रहा था। दुकान का काम चलने के कारण सभी सामान एक जगह रखे हुए थे, जिसमें उक्त दुकान में काम करने आए तीन प्लम्बर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग तार को चोरी कर खोगोमाली स्थित एक दुकान में बेच रहे थे। कई बंडल तार चोरों ने चोरी कर उक्त दुकान में बेचे थे। घटना की खबर मिलते ही भक्तिनगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी और सिलीगुड़ी के 37 नंबर वार्ड स्थित घटना में प्लम्बर के रूप में पकड़े गए चोर हाथियाडांगा निवासी आश्रित रॉय, सुजीत रॉय और इक्टियासाल निवासी दीपंकर रॉय को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी आश्रित रॉय और सुजीत रॉय आपस में दोनों भाई हैं। आरोपियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए भक्तिनगर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज के लिए इतना ही, आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।